सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य श्रृंखलाया अस्ति व्यंजन संधि। सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषा व्याकरण प्रधान भाषा विद्यते। अस्यां भाषायां व्याकरण संबद्धानि विविध कर्माणि संपाद्यन्ते। एतेषु भाषा उच्चारण दृष्ट्या लेखन दृष्ट्या च संधि समासश्च अत्यंत आवश्यको। संधि परस्परं निकटवर्ती पदयोः सिद्ध्यति। अनयोः प्रक्रिया एतयो द्वयो पदयोः मिथमेलनं भवति। भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् संधि अच संधि हल संधि विसर्ग संधि भेदात् त्रिविधः भवति। अत्र स्वराणां स्वरेशः, स्वराणां व्यञ्जनेशः, व्यञ्जनानां स्वरेशः, व्यञ्जनानां व्यञ्जनेशः मेलनं भवति। संधि कार्येण वयं लेखने उच्चारणे च भाषाया स्वस्थम आनेतुं शक्नुमः। तो जो संधि है, संधि के बिना हम किसी भी भाषा के सौंदर्य को यूँ कहें कि उस शब्दार्थ को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम संधि का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संधि एक ऐसी विधा है जिससे हम उस शब्दार्थ को भली भांति जान लेते हैं। श्रृंखला चल रही थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत पूर्व में हमने चर्चा करी स्तुत्व संधि, इच्छुत्व संधि, पदांत जसत्व संधि, अवदांत जसत्व संधि, अनुनासिक संधि और लत्व संधि। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं चरत्व संधि, छ्रत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परसवर्ण संधि, डमुट संधि और विशिष्ट रुत्व संधि। जैसा कि व्यंजन संधि या यूँ कहें कि संधि किसे कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। यानी जो दो वर्ण हैं, यानी दो वर्णों के पास पास, दो वर्णों के पास पास आने से, यानी उसमें जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वही संस्कृत में जो है उसे हम संधि कहते हैं। यानी यूँ कहें कि परस्पर मेल होना, यानी जैसे व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर का मेल जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तो व्यंजन संधि को जानने के लिए हमें उस संस्कृत की उस व्यंजन वर्णमाला को भी जान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि व्यंजन वर्णमाला के बिना हम संधि को नहीं जान सकते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने बताया कि संस्कृत में वर्णमाला 33 वर्ण होते हैं, तो इसी क्रम में उस वर्णमाला के माध्यम से हम जब हमें वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा तो हम संधि को भली भांति जान सकते हैं। तो इसी क्रम में हम जिस संधि पर आज सर्वप्रथम बात करने वाले हैं वह संधि है चरत्व संधि। यानी चरत्व संधि क्या है और उस चरत्व संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह कौन है। तो जो चरत्व संधि है, उस चरत्व संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है खरी चौ। यानी खरी चौ क्या करता है, खरी चौ क्या करेगा कि यानी जो हमारा संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, यानी पूर्व पद के अंत में क्या होगा, झल वर्ण, यानी उन झल वर्णों को छोड़ करके, यानी पूर्व पद में झल वर्णों को छोड़ करके, जैसे झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आए, यानी प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण, यानी अङ य न म तथा य र ल व, इनको छोड़ करके जो है जब उत्तर पद के आदि में खर वर्ण हो तो, यानी उत्तर पद में क्या होगा, खर वर्ण में कौन कौन से आए, क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों सकार, अगर ये वर्ण हो तो उस जो झल वर्ण है उन झल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। यानी चर में कौन कौन से वर्ण आए, च ट त क प और तीनों सकार, यानी ये वर्ण वहाँ पर हो जाते हैं। अर्थात यानी उसी वर्ण का अर्थ हम कहेंगे कि उसी वर्ण का जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रथम अक्षर हो जाता है। यानी झलों को क्या होगा, झलों को क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। झलों को क्या होता है, चर हो जाता है। यानी खरी चौ सूत्र क्या करेगा, खरी झलाम चरस्यु, यानी खर होने पर, जब खर होगा तो उस खर होने पर क्या हो जाएगा, झलों को चर आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, शब्द है उत्थानम, तो उत्थानम में आपने देखा उदधन थानम। अब हमने क्या कहा कि यदि झल वर्ण होंगे, झल वर्ण यदि पूर्व में क्या होगा, झल वर्ण को छोड़ करके
और उत्तर पद में यदि खर वर्ण होंगे तो उनको क्या हो जाएगा, झलों को चर आदेश हो जाता है। तो शब्द क्या है, उदधन थानम। तो उस द में आपने क्या कहा कि जो उदधन थ और क्या बना, उत्थान। तो इसी प्रकार एक शब्द और है, वह शब्द है उत्तस्तंभनम यानी उदधन तंभनम। तो जब हमने उसकी संधि करी तो उदधन तंभनम यानी यहाँ क्या हुआ, जो उद्धन थानम में जो उद्धन तंभनम है उसमें दकार से पड़े खर वर्ण है, उसमें क्या है, दकार से पड़े खर वर्ण है, इसीलिए द को क्या हो गया, चर आदेश हो गया। आपने देखा जो दकार आया यानी उत्थान का जो उद्धन थानम है उस दकार को क्या हुआ, चर आदेश हुआ। यानी चर वर्ण कौन कौन से हैं, च ट त प और तीनों सकार, और उसमें क्या हो जाएगा, स्थाने अंतरतम से क्या होगा, द को तो आदेश हुआ, और इसीलिए जो हमारा शब्द क्या बना, उत्थानम और उत्थम्भनम। यानी जब थ का लोप नहीं होता है तो स्थिति क्या बन जाएगी वहां पर, जब मान लीजिए जो जो थ है उस थ का लोप नहीं होगा तो शब्द क्या बनेगा, उद्धन थ धन थानम। तो यानी जो खरी चौ करता है यानी खरों को चर आदेश हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि क्या, जो झल वर्ण होंगे उनको क्या होगा, खर होगा तो उनको चर आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, शब्द है दिक्पाल। शब्द क्या है, दिक्पाल शब्द है। तो आपने जब दिक्पाल में देखा तो हमने क्या कहा, यदि झल वर्ण पूर्व पद में झल होगा और उत्तर पद में खर होगा तो वह क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का वह क्या हो जाता है, प्रथम वर्ग यानी वर्ण हो जाता है। शब्द है दिक्पाल। अब दिक्पाल में हमने संधि करी, शब्द क्या बना, दिक धन पाल। अब जो दिक शब्द है उस दिक शब्द में हमने कहा यदि झल, तो यहाँ पर क्या गौ, हमें क्या मिला, झल वर्ण, यानी पूर्व पद में हमें झल वर्ण मिला और उत्तर पद है पालह, तो पालह में क्या है, खर। यानी जो झल वर्ण के बाद यदि खर वर्ण होंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, चरादेश हो जाता है। यानी अपने ही वर्ग का वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाता है। तो शब्द क्या बना, दिक धन पाल, दिक धन पाल शब्द बना दिक पाल। ऐसे युयुत्सवह शब्द है, तो युयुत्सवह में आपने देखा युयुद धन सवह, तो युयुद में धकार है जो झल वर्ण है और उसमें सवह में क्या है, खर वर्ण, यानी तो क्या बन गया, चर, तो युयुत्सवह। ऐसे विराट पुरुष शब्द को हमने देखा तो विराट पुरुष में क्या है, विराट धन पुरुष, तो शब्द क्या बना, विराट पुरुष, यानी अपने ही वर्ण का प्रथम वर्ग हो जाता है। तो ऐसी उत्पन्न शब्द है, उत्पन्न में आपने देखा उतधन पन्न, तो उद में दकार क्या है, झल, और प क्या है, खर वर्ण, तो उसे क्या हुआ, चर बना, तो क्या शब्द क्या बना, उत्पन्नम। ऐसी तदधन पर, तो शब्द क्या हुआ, तत्पर। ऐसी सत्कार, सतधन कार, सत्कार। इसी प्रकार से जो है दिक्पाल, उत्थान, उत्तंभनम, ये सब सब जो है हम खरी जो च है यानी चरत्व संधि है उस चरत्व संधि को उदाहरण है। यानी चरत्व संधि में हम कह सकते हैं कि जब झलों के स्थान पर चर आदेश करने वाला जो सूत्र है वह खरी च है। तो उदाहरण के माध्यम से आपने इसको जान लिया है। इसी क्रम में जो अगली संधि है वह है छत्व संधि। यानी छत्व संधि क्या है, उस संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है सच छोटी। अर्थात ये सच छोटी क्या करेगा, आपने देखा यदि मैंने कहा कि जो पूर्व पद है यानी किसी भी शब्द है उस शब्द के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। यानी पूर्व पद के अंत में यानी जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंत में झय वर्ण यानी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी ये वर्णों के बाद यदि स हो तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अट यानी अट होंगे यानी सभी स्वर होंगे और य व र ल ये वर्ण में से कोई हो तो उस स यानी उस तालव्य सकार के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है। यानी जो सच छोटी है वो क्या करता है, झय परस्य छो वटी ही, यानी जो झई के परे सकार हो उस झई के परे जो है सकार हो और उसे अट हो तो सकार को क्या हो जाएगा, विकल्प से छ आदेश हो जाता है। जैसे एक शब्द है तद धन शिव, शब्द क्या है,
तत्शिवः शब्द बना, तो तदधन शिवः शब्द है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उस द को क्या हुआ, स्तोस्तु नास्तु एक सूत्र है व्याकरण में, उस सूत्र से क्या हुआ, उस चवर्ग को क्या हुआ, ज आदेश हुआ, और ज को क्या हुआ, खरी च एक सूत्र है, उस खरी च सूत्र से क्या हुआ, च हो गया, तो उस झय प्रत्यय का वर्ण है, और वो वर्ण किस चीज का है, झय प्रत्यय का है, तो उसके परे जो है सकार को क्या हो जाता है, वह क्या हो जाएगा, अट है, इसलिए उस प्रकृति सूत्र से क्या हुआ, वो छ को क्या होगा, छ आदेश होता है, तो शब्द क्या बना, तत्शिव, आप देख रहे हैं तत्धन शिव। इसी प्रकार मृच्छकटिक शब्द है, मृच्छकटिक में आपने कहा मृच्छधन सकटिकम, यहां क्या हुआ, यानी जो झय वर्ण है उस झय वर्ण के बाद क्या हुआ, स आया, तो उस स को क्या हो जाएगा, तालव्य सकार हो जाता है। इसी प्रकार तत् श्लोके न, तत् धन श्लोके न, तो शब्द क्या बना, तत् श्लोके न। ऐसी तत् शुभम शब्द क्या है, तत् शुभम शब्द है, जब हमने इसकी संधि करी तो शब्द क्या बना, तत् धन शुभम, यानी जो हमारा जो पूर्व वर्ण है, यानी क्या कहा हमने, उस झय के परे सकार हो तो उसे क्या हो जाएगा, अट हो जाता है, यानी उस सकार को विकल्प से छ आदेश हो जाता है, तो ऐसे ही शब्द है तत्छीलम, तच धन छीलम, शब्द क्या बना, तत्छीलम, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं जो छोटी है वह क्या करता है, किसी भी शब्द यानी छोटी क्या करेगा, तालव्य सकार को छकार करने वाला है। तो इसी क्रम में जो अगली जो संधि है वह संधि है कौन सी, अनुस्वार संधि ही। अनुस्वार संधि क्या करती है, आपने देखा कि जो व्याकरण में मोनुस्वार है एक सूत्र है, उस सूत्र से हम अनुस्वार संधि को प्रतिपादित करते हैं, तो यानी मोनुस्वार क्या करेगा, जो हमारा पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंत में हलंत, हलंत का मतलब यानी हलंत हो तो उसको अनुस्वार हो जाता है, यानी कोई भी शब्द होगा उस पूर्व पद के शब्द के क्या होगा, पूर्व पद के अंत में यदि हलंत होगा उसे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है, और यदि उत्तर पद के आदि में हो तो वह क्या होगा, स्वर नहीं होता है। जैसे हमने कहा मोनुस्वार हो, यानी क्या करेगा, मतांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलिः, जैसे शब्द बना हरिम बंदे, आपने देखा इस उदाहरण है हरिम बंदे, यानी जो पद मकारांत है उसको क्या है, हल परे होने से अनुस्वार आदेश होता है, ठीक, यानी अलोन्तस्य परिभाषा के अनुसार जो है म को क्या हुआ, अनुस्वार होना है, ठीक। एक शब्द है जैसे हरिम बंदे, अब हरिम बंदे में आपने देखा हमने संधि करी तो हरिम म क्या है, अनुस्वार है, म क्या है, हलंत है, तो उसे हमने कहा कि क्या हो जाएगा, मो यदि हलंत होगा पूर्व पद में तो उसे अनुस्वार हो जाता है, तो शब्द बना हरिम धन बंदे, हरिम बंदे। ऐसे गुहायाम तपति, तो पूर्व पद के अंत में मो क्या है, हलंत है, तो शब्द क्या बना, गुहायाम तपति। ऐसी सत्यम वदह, धर्मम चरह, गुरुम नमः, यानी इस प्रकार से जो है ये शब्द जो मोनुस्वार यानी अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं। इसी क्रम में जो अगली संधि हम आज जानने वाले हैं वह है अनुस्वार परसवर्ण संधि। यानी ये संधि क्या करती है, अनुस्वार यानी संधि जो सूत्र है, इस संधि को कौन सा सूत्र करेगा, वह है अनुस्वारस्य ययी परसवर्ण, यानी जो पूर्व पद है यानी जो हमने पूर्व सूत्र हमने क्या मोनुस्वार था, यानी उस पूर्व सूत्र में क्या हुआ जो अनुस्वार था उसके बाद क्या होगा, यय यानी तीनों सकार और ह को छोड़ करके जो सभी वर्ण उसमें हो तो उस अनुस्वार को क्या होगा, परसवर्ण हो जाएगा, यानी परसवर्ण यानी उत्तर पद के आदि में स्थित वर्णों का पांचवा वर्ण वहां हो जाता है, यानी उसे अपदांत भी हम कहते हैं, यानी अपदांत क्या हुआ, यानी पूर्व पद इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अपदांत का क्या हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी अनुस्वार के बाद यदि कोई व्यंजन हो तो जहां अनुस्वार होगा उस अनुस्वार के बाद यदि कोई व्यंजन हो तो उस अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा, व्यंजन वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे शब्द है यय परे, मैंने क्या कहा कि यय परे होने पर अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है,
तो जैसे शब्द है शांतः, शब्द आप देखिए शांतः शब्द है, तो शांतम हमने क्या सामधन तह, सामधन तह, यानी यय परे होने से अनुस्वार को परस वर्ण आदेश होता है, तो शब्द क्या बना सामधन तह, यानी नश्चा पदांतस्य झलि ही, एक सूत्र है, यानी ये क्या करता है नश्चा पदांत झलि सूत्र के अनुसार अनुस्वार आदेश हुआ, इसको क्या हुआ अनुस्वार आदेश हुआ, और इस स्थिति में क्या बन गया वह सामधन तह, यानी अनुस्वार के परे तो है, तो उस यय प्रत्ययहार का वर्ण होने से इसलिए यहां पर क्या बन गया शांतः शब्द बना। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को आप देखिए, अंकित शब्द है अम धन कितः, मुंचति मुंडनम नंदति सिंधु कंटक पंचमम, यानी इस प्रकार से जो है इस अनुस्वार यानी अनुस्वार परस वर्ण को हमने जाना। एक चीज और है, यदि पूर्व पद पदार्थ का अनुस्वार हो तो वहां क्या हो जाएगा पंचम वर्ण वहां क्या आएगा विकल्प से आता है, जैसे शब्द है त्वम धन चलसी, तो यहां पर क्या बना जो त्वम धन चलसी है तो वहां त्वं चलसी, यानी पांचवा त्वम में क्या आया व प फ भ, तो चौ है तो उसमें क्या बन गया यों आ गया, तो ऐसे गुरुम नमति में गुरुन नौ, यानी पूर्व वर्ण जो है च छ ज झ यों, यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो होगा उसका पांचवा वर्ण उसके पूर्व में स्थापित हो जाता है, तो शब्द बन गया गुरुन नमति। इसी प्रकार जो अगली संधि को हम जान रहे हैं वह है डमुट संधि, तो ये डमुट संधि क्या है, इस डमुट संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है डमो ह्रस्वादचि डमुण नित्यम, यानी यानी पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर, पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में अ ई उ री लि, यानी इनके बाद यदि डम में से कोई व्यंजन हो और उत्तर पद के आदि में यदि कोई स्वर हो तो क्रमशः वहां क्या हो जाएगा डम प्रत्याहार हो जाता है, यानी ये वर्ण वहां पर आ जाते हैं, यानी डमो ह्रस्वादचि डमुट नित्यम, यानी ह्रस्वात् परो यो डमः तदंतरम यत् परम तस्मात् परस्यो डमुटः, यानी ह्रस्व से परे डम हो, ह्रस्व से परे डम हो उस डमंत पद के परे अच को जो डमुट आगम हो जाता है, यानी डम प्रत्याहार में क्या हुआ ट ण न, ये तीन जो अनुनासिक वर्ण हैं ये यदि पद के अंत में हो, ये क्या हो पद के यदि अंत में हो और इनके पूर्व ह्रस्व अच हो तो इनसे परे क्या होगा अच को डमुट आगम होता है, यानी वहां जैसे शब्द क्या है प्रत्यंगात्मा, आप स्पष्ट आप यहां देखिए प्रत्यंग धन आत्मा, प्रत्यंग धन आत्मा, हमने क्या कहा ह्रस्व परे जो डम है उस यदि पूर्व पद में क्या होगा वहां ह्रस्व स्वर होगा और वहां आदि में क्या होगा डम होगा, तो वहां क्या हो जाता है टण और न हो जाता है, यानी जैसे हमने देखा कि उदाहरण के रूप में देखिए यहां क्या है प्रत्यंग शब्द है प्रत्यंग धन आत्मा, तो क्या बना प्रत्यंग आत्मा, तो ऐसी सुगणिशः सुगण धन ईशः, ऐसे सन्नच्युतः संधन अच्युतः, ऐसी पचन धन अस्ति पचन अस्थि, इसी प्रकार जो है हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से डमुट संधि को जानते हैं। इसी क्रम में व्यंजन संधि के अंतर्गत जो अंतिम संधि हम जान रहे हैं वह है विशिष्ट रुत्व संधि, जिसको प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है नच्छब्यप्राशन, यानी ये क्या करता है अर्थात जब पूर्व पद के अंत में न हो, जब पूर्व पद के अंत में न हो और उत्तर पद के आदि में क्या हो छव, छव में क्या आया च छ ट ठ थ, यानी ये वर्ण हो, ये वर्ण हो और उसके आगे जो है अम में क्या आता है सभी स्वर आ जाएंगे, हमारे जितने भी हमारे स्वर हैं वो सभी स्वर उन वर्ण हो तो उस नौ को रू और स हो जाता है, इसके साथ क्या हुआ नौ के जो पूर्व वर्ण है जो नौ का पूर्व वर्ण के ऊपर क्या हो जाएगा अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना होता है, जैसे शब्द क्या है चक्रिन त्रायस्व, शब्द है चक्रिन त्रायस्व, अब हमने क्या कहा कि चक्रिन त्रायस्व यानी जब हमने कहा कि छव
वर्ण यानी पूर्व पद में छव यानी नौ हमने क्या देखा आपने, तो सभी स्वर होंगे, तो उसमें क्या चक्रेन में क्या मिला हमको, चक्रेन में नौ मिला, तो यानी उस वर्ण हो और अंत में क्या हुआ, हमने कहा कि नौ को रू, रू को सौ, तो उस पूर्ववर्ती वर्ण को अनुस्वार को अनुनासिक का प्रयोग वहां पर होता है, तो शब्द क्या बना चक्रिन श्रावस्व, यानी जो ये जो चक्रिन ये जो सूत्र है कौन सा नच्छव्य प्राशनम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा उक्त नियम के जो प्राशन शब्द को छोड़ करके अन्य सभी में जो नकारांत शब्द हैं उन शब्दों के साथ यह प्रयुक्त होता है, यानी नकारांत पद के यानी जो नकारांत है उस पद से जो छव है उस नकारांत पद में जो न और ऋ है उस न और रु, नौ को रु आदेश होता है, नौ को क्या होगा रु आदेश होगा, जैसे शब्द है प्राशन, प्राशन शब्द को यहाँ पर जो है हमने क्या कहा कि छोड़ देना है, उसके अलावा जैसे चक्रेन त्रायस्व एक शब्द है चक्रेन त्रायस्व, यहाँ क्या हुआ जो नकारांत पद से परे नकारांत पद से परे तो है तो उस त को छव प्रत्यय का वर्ण है, तो क्या है छव प्रत्यय का वर्ण है, तो उसके परे रौ है तो उस अम प्रत्याहार का वर्ण है और वह क्या है अम प्रत्याहार का वर्ण है, तो उस वर्ण से यानी जो सूत्र है नच्छव्य प्राशन उस सूत्र से क्या हुआ नौ को रु आदेश हुआ, रु को रौ शेष बचा और इस स्थिति में शब्द क्या बना चक्रीन रौ त्रायस्व, तो अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तू इस अनुनासिक सूत्र से जो क्या हुआ पूर्व वर्ण को अनुनासिक तथा विकल्प से क्या हो गया वहां अनुस्वार होकर यह शब्द क्या बन गया चक्रिन त्रायस्व। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए अस्मान तारय, इसमें देखिए अस्मांस तारय ऐसी कस्मिन चित, क्या बना कस्मिन चित, यानी इस प्रकार से व्यंजन संधि के माध्यम से हम यानी जो शब्द है उस शब्द के अर्थ को हम जान पाते हैं, न केवल शब्द के अर्थ को अपितु जो संस्कृत साहित्य है उस संस्कृत साहित्य को जानने उस ध्रुव ग्रंथि को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें संधि को जानना होगा। संधि में पूर्व श्रृंखला में आपने संधि के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि को आप जान चुके हैं, आशा है कि आप इन संधियों के माध्यम से बहुत कुछ लाभ आपको होगा, इसी क्रम में अगली श्रृंखला में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार धन्यवाद।